नमस्कार दोस्तों, मैं चारुल श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेंटल रिटार्डेशन #एक प्रयास। दोस्तों, इससे पहले मैं आज के टॉपिक की आपको जानकारी दूँ, मैं कुछ पंक्तियाँ गुनगुना कर आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में मेंटल रिटार्डेशन का एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था, तथा दूसरे में मैंने मेंटल रिटार्डेशन के कारणों के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने मेरे पहले दो वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी आपसे यह विनती है कि आप मेरे पहले दो वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको इस वीडियो में मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, अर्थात मेंटल रिटार्डेशन की रोकथाम कैसे करें। मेंटल रिटार्डेशन की रोकथाम विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। इसमें सबसे पहला है प्रीनेटल स्क्रीनिंग, अर्थात जब बच्चा माँ के पेट में होता है। प्रीनेटल स्क्रीनिंग में मुख्यतः एमनियोसेंटेसिस, रक्त की जांच अर्थात ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, फीटोस्कोपी और रेडियोलॉजी आती है। यह सब जांचें उस समय की जाती हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। दोस्तों, कई अभिभावक यह जानना चाहते होंगे कि एमनियोसेंटेसिस जांच क्या है और यह क्यों की जाती है, तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि यह जांच बच्चे में अनुवांशिक असमानताओं को देखने के लिए की जाती है, जिसका परिणाम मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। यह एक ऐसी जांच है जिसमें माँ के पेट में सुई डालकर एमनियोटिक द्रव को निकालकर जांचते हैं। अब माँ को यह चिंता होगी कि क्या यह जांच सुरक्षित है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। यह जांच पेट में पल रहे भ्रूण में कोई गुणसूत्रों की असमानता तो नहीं है, इसकी जांच करने के लिए की जाती है। और यह जांच गर्भावस्था के 15वें हफ्ते से 18वें हफ्ते के बीच में की जाती है। यदि माँ की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है तो बच्चे में गुणसूत्र संबंधी असमानताएं होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिससे बच्चे के डाउन सिंड्रोम, एडवर्ट सिंड्रोम इत्यादि होने की संभावना हो सकती है और बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रीनेटल स्क्रीनिंग के अंतर्गत एमनियोसेंटेसिस जांच के बारे में बताया। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अपने आने वाले अगले वीडियोस में अन्य प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि सभी ज़रूरतमंद अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सके। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन तो दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। अपना और अपने सभी लोगों का ध्यान रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। धन्यवाद।